थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड हिस्टोरिकल रिफॉर्म बिल मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन मैरिज बिल 2019। सर मैं अपनी बात एक गजल के साथ कहूँगा, ना हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी से आज समुंदर से नूर निकलेगा। सर फिर मैं, आज एक बहुत ही हिस्टोरिकल दिन है, ऐतिहासिक दिन है, और इस सदन में 5 मई 1986 को इसी सदन में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर के एक फैसला आया था, और इस सदन ने 5 मई 1986 को उस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए उस समय की सरकार एक कानून लाई थी। आज की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी करने के लिए कानून ला रही है। तो उस आज जो है 1986 में जो सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से, उनके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ फैसला था, उसको निष्प्रभावी किया गया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रविशंकर प्रसाद जी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार से जुड़े हुए फैसले को प्रभावी करने के लिए कानून लाए। सर कभी कभी जो है वो जो लम्हों की खता होती है वो सदियों की सजा बन जाती है, और उस समय जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उसने कुछ लोगों को खुश करने के लिए लम्हों की खता की थी, और आज से लेकर, तब से लेकर आज तक वो सजा के रूप में उसे माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, फैसले के बाद उस पर पूरे देश में चर्चा हुई, अभी जो फैसला हुआ उस पर चर्चा हुई, और इस सदन ने उसके बाद जो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानून को पास भी किया। लेकिन क्योंकि लोकसभा के चुनाव घोषित हो गए और लोकसभा के चुनाव के घोषित होने की वजह से वो कानून जो है फिर से दोबारा रविशंकर प्रसाद जी को यहाँ पर लाना पड़ा। मैं इसमें तीन चीज़ें प्रमुख रूप से कहना चाहूँगा। ये देश जो है वो ऐसा नहीं है कि पहली बार हम जो है वो सुधार के लिए कोई कानून ला रहे हैं। ये देश जो है इस बात का गवाह है कि हम, इस देश ने जो है वो सती प्रथा जैसे सामाजिक बुराई और कुप्रथा को खत्म किया है। ये देश गवाह है कि जब बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति और बुराई थी उस वक्त भी जो है उसको खत्म करने के लिए एक बड़े आंदोलन भी हुए, और उस वक्त भी कुछ लोगों ने उसको धार्मिक रूप से, धर्म के रूप में उसका जो है वो एक जामा पहना करके कहा कि साहब ये तो धर्म के पर हस्तक्षेप है, इसलिए सती प्रथा भी खत्म नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह भी खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मेरे देश के लोगों का सांस्कृतिक और संवैधानिक और साथ ही साथ लोकतांत्रिक सोच है कि जिसने इन तमाम कुप्रथाओं को खत्म किया। आज जो है वो ट्रिपल तलाक भी ठीक उसी तरह की कुप्रथा है, ठीक उसी तरह की सामाजिक बुराई है। अब इस सामाजिक बुराई और कुप्रथा पर जो है वो जो लोग तर्क दे रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं कि साहब अगर जो है वो पति जेल चला जाएगा तो फिर वो देखेगा कौन। अरे भैया जेल जाओ क्यों, तुम्हें इसकी ऐसा काम करो कि जेल जाना पड़े तुम्हें। मतलब ये तो तर्क वो हो गया कि हम आतंकवाद करेंगे, हमें कानून मत बनाओ, अगर आतंकवाद कर दिया और तो हम जेल चले जाएंगे तो हमारे परिवार को कौन देखेगा। हमने कत्ल कर दिया तो हमारे परिवार की देखभाल कौन करेगा। हमने चोरी कर दी तो हमारे परिवार की देखभाल कौन करेगा। हमने ये अपराध कर दिया, जघन्य अपराध कर दिया तो उसकी देखभाल कौन करेगा। ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। इसलिए इस तरह के कुतर्कों के आधार पर इस तरह के सामाजिक सुधार से जुड़े हुए सवाल जो है वो हल नहीं होते। हम ये जानते हैं कि ज्यादातर इस सदन में बैठे हुए सदस्य, आई एम नॉट यील्डिंग सर, बोलिए, टेररिज्म
संत्रासवाद और ट्रिपल तलाक दोनों को एक साथ मत मिलाइए। अपराध अपराध आप उसको ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ट्रिपल तलाक को ट्रिपल तलाक। अभी मैं एक सर मैं इसलिए अभी इस सदन में ही आपके बंगाल के एक माननीय सदस्य श्री सैफुद्दीन चौधरी थे, मैं उनका मैं अभी बाद में कहना चाहता था लेकिन आपने क्योंकि इसमें सैफुद्दीन चौधरी साहब ने जो है वो 5 मई 1986 को इसी सदन में मुस्लिम महिलाओं के इस सदन के नंबर पे दादा मैं कह आज उन सबकी परीक्षा का वक्त है, आज उन सब की परीक्षा का वक्त है जो धर्म निरपेक्षता और हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात करते हैं। ये हमने नहीं कहा, ये कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैफुद्दीन चौधरी साहब ने कहा, आपके बंगाल के थे। सुनिए, आज हमारी अंतरात्मा की परीक्षा है, परीक्षा की घड़ी है, आज इस पर विप नहीं किया जा सकता। हम आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि एक राज्य मंत्री ने पर्यावरण के लिए राज्य मंत्री ने समय विप जारी किया और कहा है कि सभी लोगों को इस बिल का समर्थन करना होगा जो कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कुचलने वाला है। इसके अतिरिक्त मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपने इसमें इसको एक महत्वपूर्ण वो किया है, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि इस विधेयक को समर्थन करने के लिए हमारी महिला वर्ग पर विप करना होगा, लेकिन लेकिन अभी भी वक्त है। यदि मैं उर्दू में नहीं बोल सकता, मैं फैज़ अहमद फैज़ द्वारा लिखी गई 4 पंक्तियों को उद्घोष कर रहा हूँ, मेरा उच्चारण गलत हो सकता है। उन्होंने इस पे कहा था कि बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्मो जमा की मौत से पहले, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल कि सच जिंदा है अभी तक। तो ये सैफुद्दीन चौधरी साहब ने उस वक्त कहा, यानी कि उस वक्त का इस सदन का मूड और इस सदन का माहौल फर्क था। उस वक्त जो है वो राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, फर्क था। आज हम सुधार के साथ हैं और उस वक्त वो लोग किसके साथ थे ये वो बताएंगे। आज जो है वो हम जो है वो मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को देने के लिए हम कानून ला रहे हैं, उस वक्त उस संवैधानिक अधिकारों को कुचलने के लिए वो विधेयक लाया गया था। आज जो है वो मैं अभी बहुत सी बातें हो गई तमाम, अभी यहाँ पर जो है वो कुरान और इस्लाम के बहुत विद्वान लोग हैं वो अपनी बातें कहेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह देश संविधान से चलता है सर, हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है, हमारा देश जो है वो किसी शरीयत से नहीं चलता है, किसी धार्मिक कानून से नहीं चलता, ना हमारा देश इस्लाम से चलता है, ना किसी हिंदू से चलता है, ना किसी और धर्म के उससे चलता है, ये संविधान से चलता है। और संविधान में जो लैंगिक समानता जेंडर इक्वलिटी की बात को बार बार जोर के साथ कहा गया है, क्या हम उसको भूल सकते हैं, क्या हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं क्या सर? आज ये एक ऐतिहासिक दिन है और मुझे मालूम है कि इस ऐतिहासिक दिन को कई लोगों पर दबाव भी हो सकता है, कई लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं और कई लोगों को ये लग सकता है कि साहब ये अगर हम इसका चाहते हुए भी ये समर्थन हो सकता है कुछ लोग ना करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर करेंगे तो हो सकता है कहीं वोट का कुछ लोगों का वोट जो है वो खिसक जाए, लेकिन ये गलत फहमी आप निकाल दीजिए। आज जो है वो समाज भारत का सभी वर्ग उसमें मुस्लिम समाज भी है सुधार के साथ है, सुधार के वो सुधार के साथ है, आपके उधार के साथ नहीं है, सुधार के साथ। तमाम इस्लामिक देश, अभी रविशंकर जी ने कहा कि तमाम ऐसे इस्लामिक देश हैं जिन्होंने कि ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत को गैर कानूनी और गैर इस्लामी दोनों कहा है, और पूरी तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने कि इस पर रोक लगा दी है। आज जो है वो अगर 1929 में सूडान ने 3 तलाक पर रोक लगाई, 1956 में जो पड़ोस का हमारा पाकिस्तान है उसने लगाई, बांग्लादेश ने लगाई, 1959 ने ईरान इराक में लगाई, 53 में 3 तलाक खत्म किया, मलेशिया ने खत्म किया, इसके अलावा साइप्रस जॉर्डन अल्जीरिया ईरान बुकनोई मोरक्को कतर यूएई जैसे तमाम इस्लामिक देशों ने 3 तलाक खत्म किया। हमें जो है वो 70 साल लग गया उस कुप्रथा और
कानून उस कुप्रथा और सामाजिक बुराई को खत्म करने में, और जब हम 70 साल बाद भी उसको खत्म करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो ये कहीं ना कहीं जो है तर्क नहीं बल्कि कुतर्क है। सर मैं हमारा केवल इतना कहना है कि आज ये जो रविशंकर जी जिस कानून को लाए हैं, इस कानून का शुद्ध रूप से संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा से संबंध है। इसका मजहब से कोई संबंध नहीं, इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं। अब कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि साहब जो है ये तो इस्लाम में दखल अंदाजी हो रही है। अब जिस समय उस समय बहस हुई थी, उस समय 3 बहुत बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उभर कर आए थे। नंबर ये था, नंबर एक था कि साहब आपने नॉन अवेलेबल कर दिया है। उसके बाद नंबर 2 ये था कि आपने कंपाउंडिंग का जो प्रोविजन है वो गुंजाइश ही नहीं रखी है इसने। और नंबर 3 था कि आपने कोई भी FIR कर देगा तो जो है वो पति जेल चला जाएगा। तो सरकार ने आपके सुझाव, तमाम और लोगों के सुझाव के आधार पर इन 3 चीजों पर फिर से विचार किया, और विचार करने के बाद इसको बिलेबिल किया, नंबर 1। नंबर 2 कंपाउंडिंग की व्यवस्था, समझौते की व्यवस्था की, और नंबर 3 सिर्फ ब्लड रिलेशन ही FIR कर सकता है, कोई भी खड़ा होकर के FIR करके और जेल नहीं भेज सकता। ये जो 3 आपकी चिंताएं थी, अब कोई नई और चिंता लेके आए होंगे तो मैं नहीं, आप अपने जो तर्कश है उस तर्कश में कितने तर्कों के तीर हैं वो तो आप चर्चा में बता सकते हैं कि आप साहब ये हमारे तर्कश में ये नया तीर निकाल रहे हैं हम। लेकिन हम लोग वोट बैंक की साजिश कर रहे हैं, हम लोग आपको परामर्श दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, जिसके लिए आप बदल रहे हैं। हमारा सुझाव है कि आप बदल नहीं सकते। ज्ञानवे में राजीव गांधी को क्यों नहीं सुझा दिया? इसलिए हमारे सुझाव पे आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तो जो 1986 में किया था वो उस सजा को देश अब तक भुगत रहा है। 1986 में आपने जो कुछ मुट्ठी भर लोगों के दबाव में घुटने टेक दिए थे, और घुटने टेक करके आपने जो पाप किया था, जो आपने जो है गलतियां की थी, उस गलती की सजा आज भी देश भुगत रहा है। और आज लाने की जरूरत नहीं थी इनको, ये लाने की जरूरत इसलिए हो रही है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने निष्प्रभावी किया। आपने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए काम किया। आज भी जो है वो आप अभी भी, मुझे लगता है कि आपने जो गलती की थी उसकी सजा आपने भुगती है। आप वो गलती मत करिए, हम आपसे अपील करना, तो इसीलिए कह रहे वो गलती मत करिए, उस गलती से कोई फायदा नहीं होगा। आप जो है वो सुधार के साथ रहिए, आप वोटों के उधार के चक्कर में मत पड़िए। मैं सर एक चीज कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि ये बिल निश्चित तौर से जो संवैधानिक प्रतिबद्धता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट के साथ है। ये बिल जो है वो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने के लिए है। अब एक हमारे मित्र हैं वो कह रहे थे कि साहब माइनॉरिटीज में तो 6 नोटिफाइड आती हैं, वो सब आ जाएंगे। अरे आप तो बहुत ही हमारे साथ, आप लोकसभा में भी हम लोग रहे हैं। इस बिल का जो है वो द मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन एंड राइट ऑन मैरिज बिल 2019, इट्स नॉट माइनॉरिटी वेमेन प्रोटेक्शन बिल 2019। तो इसलिए जो है वो इसको जो है वो माइनॉरिटी बिल नहीं है बल्कि मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन बिल है। तो इसलिए उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कंफ्यूजन करने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। मैं अपील करूंगा कि सभी लोग ईमानदारी के साथ, बिना किसी दबाव के, सच्चाई के साथ इस बिल का समर्थन करें और इस बिल को पास करें। और ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि उस हाउस में पास नहीं होगा, वो हाउस भी इसको पास करेगा आपके आशीर्वाद से।